राम राम जी। बस हेलो जी, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप भी बहुत अच्छे होंगे। तो आज का व्लॉग शुरू करती हूँ मैं सुबह के नाश्ते से। मैंने कल व्लॉग नहीं बनाया क्योंकि कल मेरी थोड़ी तबीयत खराब हो रही थी, बीपी लो हो रहा था, इसी वजह से मेरे पास उठ नहीं आया। तो मैं कल तो पूरा दिन मैं लेटे रही, इसी वजह से मेरा कोई व्लॉग शूट नहीं गया। तो मैं सुबह के नाश्ते में बना रही हूँ बच्चों के लिए आलू के पराठे। तो मिक्की ने उबाल दिए थे, ये मिक्की मेरे से पहले उठ गया था। मम्मी मैंने आलू उबाल दिए, मुझे नाश्ते में पराठे दे उसका दिए। मन कर रहा पराठे खाने का, उसका नहीं कर रहा बबली, मेरा भी कर ही रहा। काफी टाइम होगा आलू के पराठे बनाए। तो इसकी पिट्ठी मैंने बना लिया, इसमें डाल लिया हरी मिर्च और प्याज है और नमक मिर्च, यही ज्यादा फालतू चीज में गिरती नहीं, बस बच्चों के लिए ज्यादा नुकसान होती है। और इधर बना दिया है आटा और चाय बन गई है हमारी इधर। और इधर चाय रख दी थी मैंने, ये बन गई। और इधर हमारा ये तवा भी गर्म हो चुका है, अभी इसमें देखती हूँ मैंने घी निकाला नहीं, खत्म हो चुका है। खत्म हो गया निकालने, ठीक है ना मम्मी, जल्दी कर लो 7:30 बजे के स्कूल है, 9 बजे का एग्जाम चल रहे हैं बच्चों के। मैं उसकी चल रही है तैयारी, कल का पहला एग्जाम था और फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्लास में पहुंच जाएंगे। बस बन गए, तू कपड़े बेड पर रखे। मिठो भी आ गई, मिठो थर्ड में आ जाएगी फिर, है ना? सेकंड में है ना? तो फाइनल एग्जाम शुरू हो गए हैं बच्चों के, घी निकाल दिया। हम बनाते हैं देसी घी के पराठे, तेल के नहीं बनाती, सोचती हूँ कितने पराठे बनते हैं बच्चों के। बस हमारे 4-5 पराठे हैं, तो वही मैं देसी घी में बना देती हूँ, क्या तेल यूज करूँ। चल मैं मनवाता हूँ, पर वैसे भरने नहीं आते बबली है, मैं सब भरने जाते हैं सब पिट्ठी है? नहीं मैं बना रही। और आलू भी छील के इन्होंने ही दिए हैं, कटिंग प्याज की भी कटिंग इन्होंने करी है। बस मैंने क्या करा, पिट्ठी बनाई बनाई है, इसमें नमक मिर्च डाला क्योंकि इन पे तेज गिर जाता है कम कम, तो चलो ये है कि दोबारा गिर लो, तेज में निकलने का नहीं। और पिट्ठी थोड़ी सी पतली हो गई है, मैंने मना भी कर रही थी कि जो आलू उबालते हैं ना, हमें आलू ठंडे पानी में ठंडे नहीं करते क्योंकि उनके अंदर ना पानी घुस जाता है, मना कर रही थी। फिर भी इन्होंने गरम गरम थे ना, जल्दी जल्दी हो जाएगा, ठंडे पानी में डुबका दिए, डुबकी लगवा दी उन्हें ठंडे पानी में, इसी वजह से उनमें पानी घुस गया। अब बनने में थोड़ी सी दिक्कत हो गई है, फट जाएंगे। अच्छा बनना आयो, घबरा बना, ये घी आ गया इस पर जाता है। गैस तो खोल दे, कम कर रखी थी, अब खोल दूंगी बस। ये हो गया हमारा पहला पराठा ड्राई का, दोनों ताल में है पराठे के, एक तो रेडी हो गया और ये ऐसे घूम रही है अभी। अभी आना बेटा, वेट करो, मिक्की जल्दी निकल जाता है ना, वो थोड़ा पैदल जाता है इसलिए जल्दी निकल जाता है। मिट्टू को तो मैं छोड़ के ही आता हूँ स्कूल में देने क्या फल। अरे बेटे ले ले, देख मिक्की केला ले ले, यो सेब काट ले, अनार ले ले, कुछ भी ले ले, आके खाते तो निकल के रखे, कटे खाए इन्होंने अंगूर खाए, बस अंगूर अंगूर खाए सारे, एक दर्जन केले थे, 5-6 तो अभी ऐसे रखे, और ये सेब भी ऐसे रखे, अनार भी ऐसे रखे, अंगूर खा रहे, अंगूर ही लेकर आऊंगा बस, अब जब अंगूर ही पसंद है। चलो बना दो फटाफट, मैं बच्चों को लगा दूंगी चाय वाय कर दूं, इन्हें दे दूं, फिर मिंकी को स्कूल लेट हो जाएगा मिंकी को। है क्या काम करा लगी फिर सुबह, खड़ा तो तेज सोया जाता, कहाँ होती गंदी, रहन दे जब ठीक होती आराम लगता, जब कर लेती सिलाई लगा दी उस पे। मम्मी ने सिल और उसका कुर्ता भी मिल गया। मिक्की का कुर्ता का पहन रखा था वो पिछले साल सिला था उसकी माँ जी ने। अच्छा उसका पजामा नहीं मिला,
फिर क्या फायदा इसका? कुर्ता पजामा तो अच्छा लगे उसके, सिलवा दू क्या एक अच्छे से कपड़े का? हाँ आपका ड्रेस, इनके यूनिफॉर्म स्कूल की खरीद कर लाने का, ऐसी सिली सिलाई रेडीमेड नहीं लाने का। और ये इसका देखो ठंडा पजामा भी मिल गया। मिक्की के पापा के पास भी था ना ऐसा लोवर? हाँ, सेम सेम ही था। ये लोवर देख के मुझे वो ही याद आ गया। बेड पे जान ले वो। वो है ना वो चादर जो मैंने आपकी गाड़ी पे डाल ली। अच्छा, वो बंदर ने फाड़ दी। हाँ तो सुबह बाइक पे डाल देगा यार, बहुत मक्खी आती है इस पे, मक्खी बैठते हैं, गंदा लगता है बहुत। तो मैंने चरमा का उस बात उसमें बिछा दूँ बबली, पता नहीं मौसम ही ऐसा चल रहा कि मेरे भी हाथों पैरों में दर्द हो रहा। पता नहीं आल का सुबह ही चल रही है आल, अब भी ऐसा मन कर रहा लेट सो जाऊं बस। रोटी का तो ऐसा है भाई, मुझे बाबू भूख नहीं है, बच्चे आवेंगे तभी बनावाऊंगे कुछ। नहीं अभी नहीं, रोटी के बारे में सोचती। जल्दी जल्दी काम ना करे तू भी, अभी आराम से धीरे धीरे कर ले। माँ जी, माँ जी, से इसकी तो रहने यही ठीक है चद्दर। अच्छा ये क्या करा, यहाँ वो लगा दी होगी धूप बत्ती। दीदी ने मिष्टी दीदी कर सके ये काम, मिष्टी दीदी ने कर दिया। ये बैग बैग भी उठा कर रख दे, जहाँ रखने सारे कॉकरोच था। चलो बाहर, सही जगह आ गए, बाहर चलो, बाहर चलो। कई बार मैं बता दूंगा कौन सी पहन लो कौन सी नहीं, जो उनसे पहन लूंगा मैं अलग निकाल दूंगा। अरे क्यों टेंशन ले रही, पहले ठीक तो हो जा, अब इस पर बेड शीट लगा दे बस। चलियो चादर डाल दे, जी ना दुखावे। कबूतर कहाँ बैठे? जंगल में बस। सारी ऐसी हो रही है। हाँ ये तो गंदी वही लग रही, मैली सी। ये तो भाभी के पास नहीं, मैंने देखी चादर जाल लगी, उन्होंने आती के यहाँ से मंगाई, बहुत अच्छी लगी। देखियो जब से बबली लेटी है देखो गर्दा कितना हो रहा है इधर भी, देखो इस पर कपड़ा लगा दिया बबली इधर। तो मैंने देखिए इधर कमरे में झाड़ू लगा दिया, अच्छे से साफ सफाई कर दी जैसे मेरे से हुई, क्योंकि मेरी तबीयत ऐसी चल रही। तो इसी वजह से जो मेरे पे बनती है छोटी मोटी जैसी भी अच्छी बुरी, तो ऐसे ही करके बना देती हूँ और डाल देती हूँ। तो इधर मैंने ये भी साफ कर दिया और मैंने बेड शीट भी बदल दी, ठीक है चादर बदल दी। और आज मैंने बिछोने के ऊपर जो गर्म चादर बिछाते हैं ना, वो भी मैंने चादर ठंडी निकाल दी है। अब गर्मी लगती है बहुत ज़्यादा, हल्के से कंबल आएंगे ये उड़ लेते हैं। और देखिए अब मुझे लगाना है पोचा, बस बैठक में बाकी है झाड़ू लगानी। और इधर तो मम्मी लगा के चली गई पशु के नीचे और घास भी करके चली गई सन्नी। तो मैंने कर लिया था ये पौधा,
ये पौधा लिया था मैंने कल, देखिए कितना अच्छा फूल खिल रहा है इस पे। इसके लिए लूंगी गमला, फिर मैं इसे लगाऊंगी। अभी तो इसमें रखा है, इसमें पानी दे जाऊंगी जब तक मेरे पास गमला नहीं आता। वैसे तो अब मेरे सारे पौधे हरे भरे हैं, बहुत अच्छे लगते हैं मुझे। और किचन के लिए लेके आई थी मैं ये छोटा सा स्टैंड, तो मैंने इसमें रखा है फल रखे हैं ऊपर, और नीचे यही छोटा मोटा सामान छोटे डिब्बे डाल लेती हूँ। बड़े डिब्बे सोच के लिया था कि बड़े डिब्बे रख लूंगी, ये डिब्बे मेरे इधर रखे ना, तो मैंने सोचा मैं कहा बड़े डिब्बे आ जाएंगे इसमें, वे आए नहीं तो चलिए ये भी जरूरी है। और जो मैंने यहाँ पानी का रख रखा था कैंपर लेके आऊंगी, अभी तो मैं बाल्टी में ही भरती हूँ पानी, अब तो जरूर लाना पड़ेगा। कब तक काम चलाऊंगी पानी बाल्टी में भर भर के, क्योंकि बाल्टी का पानी थोड़ा रह जाता है। कैंपर कह रही है 10 किलो का लेके आना, आज जाएंगे बाजार तो लेके आएंगे। और आज मुझे कपड़े भी धोने हैं, 2 दिन के कपड़े हो रहे मैं भी धोऊंगी। और इधर भी मैंने ये देखिए चादर बदल दी, इस चादर के तकिए फट चुके थे तो मैंने दूसरी चादर के तकिए के कवर डाल रखे, ये भी बहुत अच्छे लगते हैं, कोई बात नहीं मैच मैच कुछ नहीं है ऐसा। और इधर भी ये अपने काम में लगते हैं, सुबह लग जाते हैं आने जाने में, पता नहीं बाहर भीतर कैसा काम है इनकी समझ में, मेरी समझ से बाहर है। दवाई दे आ लीजिए।